पूरी बॉडी का इन्फेक्शन, HIV, TB, कैंसर और अभी कोरोना ऐड हो गया जी. तो ये 5-6 जो हैं ये डिसीज के साथ नहीं लिया जाता. बाकी नॉर्मल कोई भी डेथ हो उसमें आइस काम आ जाता है. एक फैक्टर ब्लड ग्रुप पता है आपको? ओ पॉजिटिव. फादर नेम? लेट श्री संजय कुमार. अच्छा, एक लेयर होती है. लेयर होती है जो आपकी हेल्दी हो तो वो 8 लोगों को उसका हिस्सा कट के लगता है, क्योंकि उसकी पूरी लेयर के अंदर वो विजन होता है. अच्छा, जिसका जितना अच्छा विजन उसको उतना ज्यादा वो बट जाता है, वो उतने लोगों की हेल्प करता है. तो वो 8 लोगों को जो है उसका फायदा देता है. और मिनिमम 2 तो है ही है, क्योंकि ऑलरेडी हम नीडेड चीज को देते हैं. जैसे हम एक आंख बंद करते हैं तो एक आंख से हमें दिखेगा. अभी जैसे 2 डिजीज हुई थी रिसेंटली, अभी एक तो मेरे पिताजी नहीं रहे पिछले महीने. अच्छा. और इस महीने मेरे एक कज़न ब्रदर नहीं रहा, तो उनको इन्फेक्शन हो गया था बॉडी में. तो क्या उस इन्फेक्शन से आँखों पे इफेक्ट पड़ता है? हाँ, वो कुछ, तो कुछ, उस केस में क्या आप आँख लेते हो या नहीं लेते? कुछ क्लॉज हैं, HIV इन्फेक्शन. HIV नहीं, जैसे मेरे कज़न को था, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, पैरालिसिस हो गया, किडनी फेल होगी, लंग्स खराब हो गए उसके, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया था. हाँ, तो वो बता रही ना, पूरी बॉडी का इन्फेक्शन, HIV, TB, कैंसर और अभी कोरोना ऐड हो गया जी. तो ये 5-6 जो हैं ये डिसीज के साथ नहीं लिया जाता. बाकी नॉर्मल कोई भी डेथ हो उसमें आइस काम आ जाता है, एक फैक्टर भी कुछ नहीं है. नेचुरल डेथ में तो काम ही आ जाता, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है. और कई बीमारी होती है, लेकिन मेन वही है कि ये चीज़ें ना हो, इन्फेक्शन वगैरह ये चीज़ें होती हैं तो फिर नहीं, बाकी अदरवाइज होती हैं. और बहुत रेयर ऐसे हुए हैं हमारे पास केस कि जिसमें नहीं हो पाई, क्योंकि वो ऐसी ही थी, लगभग हो जाती. अब जैसे मेरा नंबर 1 है, मेरा दूर का विजन है, उससे इफेक्ट तो नहीं करता ना? नहीं, कैटरिक का हो जाता है ऑपरेशन भी, तब भी हो जाती है. अच्छा, तब भी यूज होती है. अब लोग पूछते हैं कि शुगर हो, अब हमें भी है, लेकिन आयोडीन हो जाती है. बट इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए कि मैं 2-3 साल से परेशान था, तो मतलब कि मेरे को मिल नहीं पा रहा था, ये थोड़ा ना लोगों तक पहुंचे ही है. ये हम ऐसा कुछ कर, बहुत मैंने RML हॉस्पिटल में पता किया, मैंने एम्स में पता किया, 2 साल पहले तक मैंने सब जगह फ़ोन किए. आपका कश्मीरी गेट जो मैंने बताया था गुरु, वो स्पेशल आई हॉस्पिटल है, मैंने वहाँ पता किया, उन्होंने साफ ही मना कर दिया. उन्होंने साफ ही मना कर दिया. वो थी किस्मत की बात है, वरना अभी हमारा 5-6 सालों से तो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हो रहा है. ददीची देहदान समिति को अब लोग बहुत पहचानते हैं. हमारा इतना ज़्यादा काम बढ़ गया अवेयरनेस का कि हम लोग नो जोन में काम कर रहे हैं. अच्छा, मैं तो जस्ट वहीं खड़ा, मैंने रैंडम देखा, मैं कहा चलो एक बार देखते हैं किस चीज़ का ब्रांडिंग वगैरह कर रहे हैं. वेस्ट जोन में हूँ और मैं वेस्ट जोन में कोकरवीनर हूँ. अच्छा, तो मैं संभालती हूँ इधर का, और नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ ईस्ट, ऐसे हमारे 9 जोन चल गए हैं. और अब लास्ट ईयर जो है सितंबर में हमारा 25th ईयर था जी इसका, तो उसके लिए हमने अब क्या किया है कि एक कॉन्क्लेव किया है और उनके साथ जो है आपस में सारी बात की गई है. 2 दिन का कॉन्क्लेव था जिसके अंदर ये सब चीज़ें हुई हैं. और अब हमारा जो है, पहले दिल्ली NCR में था, लास्ट ईयर से अब 50 के आसपास सारी हमारी जो स्टेट्स हैं वो हमसे कर सकते हैं. जैसे राजस्थान से कौन आता है, बॉम्बे से आ रहा है, कोटा से आ रहा है, तो हम उन्हें वहाँ के नियर बाय का हॉस्पिटल देते हैं, क्योंकि उन सब के कन्वीनर जो हैं वो हमारे जो NGO के फाउंडर हैं, ददीची देहदान समिति के फाउंडर श्री आलोक कुमार जी, विश्व हिंदू परिषद कार्याध्यक्ष हैं, वो फाउंडर. आज से 25 साल पहले उन्होंने 4 दोस्तों ने मिलकर ये समिति बनाई थी, और आज आई थिंक 1000 के आसपास हमारे कार्यकर्ता हैं जो इस सबको संभाल रहे जो बिना पैसों के काम करते हैं. बिना पैसों के, हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि हाँ हमारे इसमें फंड वगैरह का ऐसा तो नहीं कि जैसे मान लो कोई अपनी सेवा कर रहा है बट उसमें उनको चीट करके इनका बिजनेस होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मतलब इतना क्लियर है कि आप कहीं भी जाएं, आप YouTube पे देखें, आप सर्च करेंगे, आपके पास आएगा. हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे सारा कुछ बिल्कुल क्लियर है, हर चीज़ बताई गई है, क्या गतिविधियाँ होती हैं. हमारी ई मैगजीन है, आप उसको वो कर सकते हैं लाइक. ददीची का पेज है फेसबुक का, ददीची देहदान समिति, उसमें मेरे भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो मेरे उसमें आए हुए हैं, आप देखेंगे तो पहचान जाएंगे. तो बड़ा अच्छा सा माहौल है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं. अभी मैंने आपको बताया नहीं है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये, मैं सच बताऊं तो हम लोग थोड़ा सा उतर जाते हैं. ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि
हम कृतज्ञ होंगे यदि आपके ऐसे इसे करने में 200 रुपये का दान अगर आप देते हैं, उसमें भी जो है आपको पूरी रसीट आती है, आपको पूरा उसका बताया जाएगा, थैंक्स लेटर आएगा कि आपने ये किया है, क्योंकि हम कहीं से भी पैसा नहीं ले रहे, ये हम खुद लगा रहे हैं सारे। अब जैसे हमें आप कहो ना कि हम लेते नहीं हैं, उल्टा हम कहीं जाते हैं अपना पेट्रोल लगाते हैं, अपनी गाड़ी लगाते हैं, उस टाइम पे तो लगता है। जहाँ हो सकता है कुछ 200 देने पड़ते हैं वो भी हम पूरा करते हैं। हाँ, जैसे कोई इवेंट किया आपने या फिर कोई डोनर है, उसमें भी लगाते हैं। हाँ, जाना तो वो भी अपने आप ही करना पड़ता है वो बिल्कुल। और अब जैसे हम लोग जाते हैं, टीम जाती है रात के टाइम, कहीं भी आ जाता है रात को, एक बार 1:30 बजे हुए हैं आई डोनेशन, अब कॉल आया क्योंकि डोनेशन का टाइम आइस के लिए 5 से 6 घंटे का टाइम होता है, उस दौरान आइस डोनेट होनी ही होनी चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाती है। तो उसका टाइमिंग ऐसे, जैसे किसी को 2 घंटे बाद ध्यान आया, उन्होंने बुलाया, टीम आएगी, टाइम लगेगा। अब मानो शाम को 7 बजे 8 बजे डेथ हुई है, उन्होंने कॉल करते करते 10 बजे आ दिया, बताया, हमने आगे से टीम के साथ पूरा वो किया, टीम आते आते गुरु नानक आई से आई, वो 12 बजे आई, फिर हमारी वहाँ पे अपनी जो हम समिति की टीम भी आई, वो टीम तो आएगी आएगी हॉस्पिटल की, फिर हम लोग 2-3 जाते हैं क्योंकि हम उन्हें मोरल सपोर्ट और उनके साथ एकदम फैमिली की तरह हो जाते हैं। उसके बाद भी हमारा पूरा वो रहता है कि जब उनकी डोनेशन हो जाती है वहाँ पर उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपने ये किया है, और थैंक्स बोला जाता है, थैंक्स का लेटर भी दिया जाता है। उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि आपकी प्रेयर मीटिंग कब है। प्रेयर मीटिंग में जाके हम ऐसे ही टेबल लगाते हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि देते हैं 2 मिनट की, और साथ ही समिति का 2 मिनट का सारा बताते हैं, इन शॉर्ट कि लोगों को पता चल जाए। उसके बाद हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, जैसे मान लो हमने ये आई डोनेट कर दी, किसी को नीड है, तो ये जिसको लेता है वो चार्जेबल होता है या वो फ्री होता है उनके लिए? नहीं, वो ऐसे कुछ नहीं है, वो होता है नोटों में, पैसों में, नोटो नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, नोटो ये नेशनल है, एक सोटो है वो स्टेट की है, तो हाँ, लगते है नेशनल हो गया। हाँ, ये नेशनल है। हाँ जी, नोटो में आपको नाम लिखवाना होता है, उसके बाद वहाँ पे जैसे सीरियल वाइज नंबर आएगा, आपकी बारी आएगी तो आपको कॉल आएगा कि आपके लिए आई अवेलेबल है। अच्छा, तो जिसको लगवानी है जो पे नहीं कर पाएगा उसको वहाँ पर? नहीं, पे का नहीं है, हमारा पे का मतलब ही नहीं, हम सिर्फ दान के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, तो मतलब कि जिसको चाहिए हम दान करवाते हैं। हाँ जी, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करा, बिल्कुल, हमारा सिर्फ यही है। हमें लोग आते हैं, पूछते हैं, लेकिन हम उनके आगे यही हाथ जोड़ते हैं कि हमारे ये चीज़ नहीं है, आपको हॉस्पिटल से वो करना है, नोटों में नाम लिखवाना है, उसके बाद आपका नंबर आएगा। हमारा काम है दान का समझाना, और हॉस्पिटल के साथ आपको एक पुल का काम करते हैं कि ये चीज़ आपके, इसकी श्योरिटी देते हैं कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाता है। अच्छा, मतलब कि पहले हमें हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो नोटों में रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद वहाँ से जो भी टीम होगी या जो भी आई अवेलेबल होगी, आई मीन उस हिसाब से जिसको चाहिए प्रोसीजर चलेगा, जिसको चाहिए। हाँ जी, जिसको चाहिए। हाँ, हम तो डोनेशन का काम कराते हैं, उसमें क्या है, अब कई लोग अड़ जाते हैं तो वो उनके मन की बात है, हम उन्हें कहते हैं आपका मन मानता है तो करो, हम तो आपको सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी से बता रहे हैं, अगर आपका मन मानता है तो वेल एंड गुड, नहीं मानता तो ये जो रहे हैं। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि आप जैसे हमने आज फॉर्म भर दिया, या कल को हम नहीं करते और हमारा परिवार अड़ जाता है या कुछ ऐसा, तो हम कहते हैं कि अगर हमें फ़ोन आता है और वो नहीं मानते, जैसे कई बार होते ना बड़े बुजुर्गों के जवाई अड़ गए, नहीं नहीं नहीं, उनको तो पता ही नहीं, हमें तो हमारे 4 लोगों को पता है। हाँ, लेकिन वहाँ तो 400 लोग होंगे। हाँ, वो आके बोलेंगे फिर वो। हाँ, हाँ, तो कई होते हैं ना परिवार के बेटे या कई जवाई अड़ जाते हैं, नहीं हमने नहीं करने देना ये वो, तो हम उन्हें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग कर देते हैं, बता देते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट आप सुन लो, आपका मन मानता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। मतलब लोग ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसा कुछ लॉ का तो नहीं होगा, तो हम कहते हैं तो खुली एकदम आपकी मन की इच्छा का दान है, इसमें कोई कानून का काम नहीं है, इसलिए ये डरने की ज़रूरत ही नहीं, हो जाएगी तो प्रभु, इच्छा नहीं होती तो हम तब भी, कोई ये नहीं कि कोई लीगल इशू आ जाएगा, हम आ जाएंगे बंदे लेके, जी आपने तो फॉर्म भरा हुआ था, हाँ ऐसा कुछ नहीं, वो तो डोनेशन है, वो तो एक श्रद्धा है। हाँ, दान तो दान की तरह ही होता बिल्कुल। है बिल्कुल। और ऐसे भी हैं जो बहुत डेडिकेटेड हैं, हमें कॉल आता है, हम घर से जाके भरवाते हैं। अच्छा, कि आप हमारे पास आओ और हमने ये इच्छा है, तो हम लोग फिर 2 लोग जाते हैं जो भी टीम से, उनके घर से भरवाते आते हैं।
तो हम तो एक सेवा वाला काम है, हमारा ऑफिस जो है वो ग्रेटर कैलाश में है, हेड ऑफिस, उसके अंदर एक ही व्यक्ति है जो पेड है, जिसको हम सभी सेवा करते हैं। इनफैक्ट कार्ड भी जो है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी वाइफ कार्ड को सारा काम करती है, वो देखती है। तो हम सब ने कुछ कुछ घंटे अपने बांटे हुए हैं कि हम सब ये सेवा करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब पेड कोई भी वर्कर नहीं है, एक उसको रखा हुआ है बस। आप ये सोचें कि इसमें हमारा क्या वो है, हम भी भला ही चाहते हैं, यही सब है। तो इसलिए हम तो कहते हैं कि ये चीज़ करनी चाहिए, बस जिसको समझ आ जाए। जैसे आप जैसे हैं क्यूरियस लोग आते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। और सेम यही चीज़ मेरे साथ थी, और आज मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ, मुझे 6 साल हो गए इस तरीके से। मैं इसी मंदिर में रहती क्योंकि मैं यहाँ पास में रहती हूँ। तो मुझे मैंने यही लाइन बोली थी जो आपने बोली कि हाँ, मैं कब से ये ढूंढ रही थी मेरे को करना है करना। मेरे को तो बहुत साल हो गए, मेरी मम्मी ने तो मेरे को डांटा था एक बारी, बट मैं हॉस्टल में रहता था। सर, 1 महीने बाद मेरा बर्थडे है, मुझे सर्टिफिकेट उसी टाइम चाहिए, फॉर्म मैं उसी टाइम भर दूंगा, बेशक आप बाद में भेजें, बट हाँ मुझे करना है ये चीज़। नहीं सर, हम डायरेक्टली नहीं करते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, हमारे जब होगा जब तक। देखो, आपके मन की इच्छा थी और प्रभु जी ने कैसे मिलवाया, ये होता है। जब मन की इच्छा हो तो वो समय से ज़रूर पूरी होती है। बिल्कुल, मैं तो इस चीज़ में वैसे ही बहुत बिलीव करती हूँ। इसलिए ये तो मैं आपको कह रही हूँ ना, आपका मन ऐसा था तो वो आपको मिला। रैंडमली, मतलब कि अभी मैं वहीं खड़ा था, मैंने यहाँ देखा, मुझे फिर आपने यहाँ पर अनुदान दे दान लगा, मतलब फिर तो मेरे पैर और तेज भगे यहाँ पर, तो तेज मूवमेंट चली। थैंक्स टू यू कि आप इतने आगे।